मेरी बच्ची, मेरा दामाद हो ना जावेद, और मेरी बच्ची को फोन करके बोला करते, मैं तेरे मामू को मार दिया, ला ले जा, अब आ रहा हूँ तेरे को और तेरे बच्चों को भी मारता हूँ, बोल के बोला करते। क्या दुश्मनी है मेरे को तो नहीं मालूम। जावेद को तो फोन करके बोला करते, तेरे मामू को मारा, मैं ला लो जाओ बोल के। ना वालिद साहब है, ना वालदा है, अब सहारा हमारा कोई भी नहीं है। वाहिद शख्स मेरा भाई था, जो भी रहा उन्हें हर चीज को हमारे को हिम्मत को ऐसा ठहर जाता था। अब हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत एक शख्स की इंतहाई बेदर्दाना तरीके से कत्ल की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक मकतूल, जिसकी शिनाख्त बाबू खान के तौर पर की गई है, जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है, जो कि पेशे से केटरिंग का कारोबार किया करते हैं, जो कि हसन नगर मदीना मस्जिद के तहत रहते हैं। ये राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत राउडी शीटर भी बताए जा रहे हैं। नामालूम अफराद ने हसन नगर एक्स रोड बिल मुकाबिल न्यू ग्रैंड होटल के करीब तलवारों और चाकुओं से बेदर्दाना तरीके से बाबू खान का कत्ल कर दिया। इतला के साथ ही बहादुरपुरा पुलिस ने जाय वारदात पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज करते हुए पंचनामे के बाद नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। बहादुरपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से खातिलों की तलाश भी शुरू कर दी है। मकतूल बाबू खान की बड़ी बहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इनके दामाद ने इनकी बेटी को फ़ोन करके इस बात का एतराफ़ किया था कि बाबू खान, जो कि लड़की के रिश्ते में मामू होते हैं, कहा था कि तेरे मामू का कत्ल कर दिया गया है और अब तेरी और तेरे बच्चों की बारी है। घर वालों का शक अपने दामाद पर है, लेकिन ताहम इस बात की कोई मुकम्मल तौर पर वजाहत नहीं हो पाई है। बहरहाल पुलिस की मुकम्मल तहकीकात के बाद ही कत्ल की असल वजह और कातिलों का सुराग मिल सकता है। मकतूल की बहन ने मजीद बताया कि मरहूम बाबू खान के 5 बच्चे हैं और वो इलाके में ही एक होटल में पार्टनरशिप में केटरिंग का काम किया करते थे। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसीलात मकतूल की बहन की जबानी। पेश है एशियन टीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कर ले, ताकि हमारी इसी तरह की हर ब्रेकिंग वो लेटेस्ट न्यूज आप तमाम को बराबर इसी तरह से मिल सके। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ, मेरा नाम आसिया है और मेरा भाई छोटा बाबू, हम 4 बहना 2 भाया हैं। और हमारे वालदा का, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हमारा भाई था, और मेरी बच्ची, मेरा दामाद हो ना जावेद, और मेरी बच्ची को फ़ोन करके बोला करते, मैं तेरे मामू को मार दिया, ला ले जा, अब आ रहा हूँ तेरे को और तेरे बच्चों को भी मारता हूँ, बोल के बोला करते। क्या दुश्मनी है मेरे को तो नहीं मालूम। 2 दिन पहले मेरे घर पे आए थे तो बैठ के बात कर रहे थे वो लोग, जावेद आपकी तबीयत ख़राब हो रही तो फलानी जगह से दवा ला लो बोल के बोले। और मेरी भावज, मेरे भाई को 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, ना वालिद साहब है, ना वालदा है, अब सहारा हमारा कोई भी नहीं है। वाहिद शख्स मेरा भाई था, जो भी रहा उन्हें हर चीज़ को हमारे को हिम्मत को ऐसा ठहर जाता था। अब हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए। जावेद को तो फोन करके बोला करते, तेरे मामू को मारा, मैं लाल हो जाओ बोल के। क्या दुश्मनी है हमको नहीं मालूम। 1 दिन पहले मेरे को कल फोन करके, आपकी बच्ची की शादी कर देंगे तो बच्चे वालों को कल बुला ले बोल के बोला था, कल मेरी बच्ची की बातचीत थी, आज ये हाल ऐसा हो गया। जावेद कौन है? जावेद मेरा दामाद है। अभी कंफर्म नहीं मालूम है, मगर फोन आया कर सकते किसके ऊपर भी। अभी कौन है मेरे को तो नहीं मालूम, मगर बात ऐसा मालूम हो रही है, सबसे ऐसा मालूम हो रही है, जो मालूम हो रहा है दूसरे भी जने हो सकते वो भी नहीं मालूम है। क्या हाँ बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। क्या काम करते थे? होटल थी पहले, रियल एस्टेट का कारोबार करते थे, रमजान में भट्टी डालते थे, अब होटल में बैठ रहे थे, पार्टनरशिप में कारोबार था उनका। कहाँ करते थे वो कारोबार? ये हसन नगर ढकन लाटगने नीचे बस्ती में, ग्रैंड होटल के बाजू, ग्रैंड होटल के बाजू। ये छोटा बेटा है, ये मेरा भतीजा है छोटा, सब में छोटा ही नीचे।
ये पूरा मारने के वजह क्या थी? नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम है अभी तक। हमारे को मालूम है कौन मारे, इतना तो मालूम हुआ कि जाबिर मारा बोल के मेरी बच्ची को फोन, ग्रैंड होटल के अपोजिट हुआ, मेरी बच्ची मेरे को फोन करके बोली अम्मी मामा का मर्डर कर दिया। कहते जाबिर फोन करके बोल रहा है जा तेरे मामू को ला ले, तेरे मामू को मैं मार दिया बोल के बोल रहा है, और अब तेरी बारी है बोल के बोल रहा। कहते अब वो क्या है मेरे को नहीं मालूम। शहर हैदराबाद के खल्ब में मौजूद शीएनमी वुमेन्स ज्योती सेंटर ब्यूटी एंड एक्सेसरीज शोरूम, जहाँ पर तमाम दोशीजाओं और खवातीन की हुस्न को चार चांद लगाने वाले तमाम आरायशी प्रोडक्ट्स दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर खुसूसी प्योर लेदर से तैयार किए गए जयपुर के जोधपुरी ज्योतिष, कोल्हापुरी ज्योतिष सैंडल्स इंतहाई पुरकशिश व रंग बिरंगे कलर्स में दस्तियाब रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर तमाम उम्दा क्वालिटी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बैंगल्स, परांदे और बहुत कुछ इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब रहेगा। हमारा पता है शी एंड मी वुमेन्स ज्योतिष सेंटर, बिलो टोली चौकी, फ्लाई ओवर ब्रिज, हैदराबाद।